आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 16.4 ML अग्रवाल मैथ्स क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे। 25 है हमारा, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप इज 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वाटर इज फ्लोइंग आउट ऑफ अ पाइप एट द रेट ऑफ 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड, हाउ मच वाटर इज डिलीवर्ड बाय द पाइप इन 1 मिनट। तो यहां पर हम क्या करेंगे के आपका जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये दिया हुआ आपका 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और लेंथ ऑफ वाटर क्या दी हुई है, लेंथ ऑफ वाटर फ्लो इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में लेंथ क्या दी हुई है आपको 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ, तो 1 सेकेंड में 40 सेंटीमीटर पानी फ्लो हो रहा, ठीक है। वॉल्यूम कितनी हो गई हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना पानी उसने पाइप ने छोड़ा, तो वो हो जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाई लेंथ ऑफ वाटर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 40 इज इक्वल टू 140 सेंटीमीटर क्यूब, 140 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो पानी उसमें से आ गया, ठीक है ना। अब यहां पर हमें निकालना है 1 मिनट का, तो हमें ये पता है कि 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड होते हैं, तो हम 140 को पहले तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये जो है वो सेकंड में निकाला है हमने, तो 140 इंटू 60 तो ये हो जाएगा हमारा मिनट के अंदर, ठीक है। लेकिन हमें ये पता है कि 1 लीटर वाटर जो है यानी 1 लीटर पानी जो है वो 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर के इक्वल होता है, तो इसे हम फिर 1000 से डिवाइड भी करेंगे अगर हमें इसे लीटर में जो है वो कन्वर्ट करना है, क्योंकि पानी तो लीटर में निकलेगा सेंटीमीटर में नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये जीरो इससे, ये जीरो इससे, ये जीरो इससे, ये जीरो इससे आ जाएगा 84 आ जाएगा, तो 8.4 लीटर पानी जो है वो पर मिनट जो है वो ये पाइप निकालेगा, ठीक है ना। पाइप इन 1 मिनट वाटर डिलीवर्ड, तो ये 8.4 लीटर पर मिनट के हिसाब से इसमें से पानी डिलीवर होगा, क्वेश्चन नंबर 25 पूरा होता है। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, थैंक यू।